इन्होंने पार्क बनाया था अच्छी लोकेलिटी से, मियां डिडो जो हमारे मशहूर थे जम्मू के, और उनके नाम पर ये बना था। तो आज भी ये देखो इसकी हालत क्या है, इन्होंने फुहारे लगाए थे, सब कुछ लगाया, मेंटेनेंस किया, अब देखो आकर ये फुहारे चल नहीं रहे। आप मौका आकर देखो, ये हालत है गवर्नमेंट की, कुछ गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही जम्मू के बारे में, तो क्या करना है हमने। अब ये बच्चे चलो बैठते जाकर कोई खेलता जाकर, वो है ही नहीं इधर कुछ भी। आप मौका देखो आकर, इसका ध्यान रखना चाहिए और जम्मू के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मेंटेन किया गया है म्युनिसिपल द्वारा, कॉर्पोरेशन द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप नज़र मारेंगे यहाँ पे शाम के वक्त या इस दिन के टाइम जो भी फाउंटेन चलने चाहिए वो नहीं चल पाते प्रॉपरली, और जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली है, खर्चा जो गवर्नमेंट का बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पे टावर भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जियो कंपनी का लगा हुआ है, और ये मेंटेन बाय चौक आई थिंक जियो कंपनी द्वारा होगा। तो ये कंपनी है, एक बार अपना कर तो लेती है, अपने पूरे रोटरी पे उसने अपने बोर्ड तो लगा रखे हैं कि जियो कंपनी मेंटेन बाय दैट दैट ये पार्क, ठीक है। तो लेकिन ये टावर ये चल रहा है अपनी जगह पे, वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन जो शावर है वो नहीं है, जो फाउंटेन है वो बंद है। पहले का समय देखिए, पहले हम देखते रहे जब चौक भी कम हुआ करते थे और फाउंटेन चला करते थे लगभग, और तब इतना पोल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में देखिए गाड़ियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं, पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया है, लेकिन ये फाउंटेन्स का एक सुंदरता बढ़ाते हैं शहर के लिए। तो मैं समझता हूँ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने संज्ञान में लाना चाहिए, जिन जिन चौकों में फाउंटेन बंद हैं वो चलें, और जहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है वहाँ मेंटेनेंस हो, ताकि शहर की खूबसूरती और बढ़े।